जय श्री सीताराम। मैंने एक बात देखी है और बड़ी भयानक परिणाम देने वाली वो बात है। उस बात पर मैंने नोटिस किया है, वो ये कि आप जो उच्चारण करते हैं, आप जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, एक बात बहुत प्रचलित है कि कुंभकर्ण को चाहिए था इंद्रासन, उसने कह दिया निद्रासन और उसे निद्रासन मिल गया, है ना। तो मन में भावना तो इंद्रासन की थी, लेकिन मुंह से जो शब्द निकला उसका प्रभाव, जो परिणाम है, उस पर पड़ गया। तो भावना तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन यदि आप कोई गलत उच्चारण कर रहे हैं तो उसका भी आपको गलत फल या गलत परिणाम मिलेगा। देखिए, मैं एक बात आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आपने कई सारे ऐसे उच्चारण भी या कई सारे ऐसी कथाएं कहानियां सुनी होंगी जिसमें कोई कह रहा है मरा 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 राम 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 राम, तो उसको भी राम मिल गए, है ना। इस प्रकार से भी आपने सुना होगा, उसने उच्चारण थोड़ा सा गलत किया। परमात्मा की बात अलग है, जो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनकी बात अलग है। भाव बस से कृपा निधाना, परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर ये भाव के बस में है। हाँ, श्री राम, श्री कृष्ण और इनके अवतार भगवान शिव शंकर, श्री पार्वती माँ, है ना, श्री गौरा माँ के जो अवतार हैं, ये भाव के बस में हैं। इन्हें भाव के साथ आप पूजेंगे तो आपको ये आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। लेकिन जब हम ग्रहों की बात करते हैं, जब हम देवताओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके उच्चारण भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से यहाँ पर आग्रह है और कहना यह है कि यदि आप सही परिणाम चाहते हैं तो सही उच्चारण करें। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ, अपने वीडियोस के माध्यम से कहता हूँ, अपने लेखों के माध्यम से कहता हूँ, मेरी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां ये पाएंगे कि बहुत लूटपाट होती है, अनफॉर्चुनेटली, धर्म के नाम पर और ज्योतिष के नाम पर होती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। मेरे फील्ड में लूटपाट, जब मुगल आए और फिर अंग्रेज आए, तो इन्होंने जो चीजें घोली हैं, है ना, वो बहुत फैल गई हैं और फैली हुई हैं, फैल चुकी हैं लूटपाट, है ना। और फिर कलयुग का प्रभाव तो है ही है, तो लूटपाट तो भाई इस फील्ड में है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप पैसे कहीं ज्यादा खर्च मत करो, कहीं पैसे ज्यादा मत दो, डर करके किसी को पैसे मत दो। आप खुद भी जो भी उपाय होते हैं, मेरा कहना यह है कि 95% से लेकर के 99% ऐसे उपाय होते हैं जो आप खुद ही अपने खुद से कर सकते हैं। और हमेशा जब भी मेरे पास आप कंसल्टेशन लेते हैं या जो भी कंसल्टेशन लेते हैं, अधिकतर 99% केस में मैं यही कहता हूं कि आप खुद ही इस ग्रह का मंत्र कर लीजिए या वगैरह वगैरह ऐसा दान कर लीजिए। अब जब मैं मंत्र करने को कहता हूं तो निसंदेह वो मंत्र करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही। तभी मैं कह रहा हूं भाई, मैं तो सर्वश्रेष्ठ उपाय ही आपको दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे फल मिले। अब मैंने मंत्र करने की आपको सलाह करी, अब मंत्र करने की सलाह करी तो वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये बात मुझे पता है। लेकिन यदि उस मंत्र का आप गलत उच्चारण करते हैं तो भी आपको गलत फल या गलत परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि यदि आप भारत में पले बड़े हैं, विश्व के किसी भी कोने में आप रहते हो, भारत में पले बड़े हैं, तो मेरे मंत्र दिए हुए मंत्र ऐसे होते हैं जो कि आसानी से, यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए तो आसानी से उच्चारण जिनका किया जा सकता है। मैंने उच्चारणों पर पूरा एक सीरीज बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में सभी ग्रहों के सही उच्चारण, इस नाम से शायद प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो उच्चारण का प्लेलिस्ट है। आप वहां पर जाकर के पूरे ग्रहों के जो मंत्र हैं उन्हें आप जाकर के देख सकते हैं किस प्रकार से सही उच्चारण किया जाता है, और फिर आप कर सकते हैं। आप ये पाएंगे कि भाई उच्चारण करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 1 2 3 4 बार यदि हम करेंगे तो हम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। लेकिन यदि आप गलत उच्चारण करते हैं मंत्रों का, तो आपको गलत फल या गलत परिणाम मिलेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलते फिरते कई सारे लोग कहते हैं, सर आपने जो मंत्र दिया था, आपसे 1 साल पहले मेरी बात हुई थी सर, और आपने कोई एक मंत्र दिया था और वो मैं मंत्र करती हूँ या करता हूँ लेकिन मुझे परिणाम नहीं मिले उसके। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे प्लीज आपका मंत्र बताइए।
तो मंत्र कुछ का कुछ वो पहली बात तो बोल देते हैं। फिर मैं कहता हूँ कैसे करते हैं सर, जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ या जाती हूँ तो गाड़ी के अंदर या गाड़ी के ऊपर बैठ करके जो है वो कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ भैया क्या कर रहे हो आप, इससे बेहतर तो ये है कि ना करो, आपको तो उल्टे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। आपको मंत्र करने का एक प्रोटोकॉल है, हाँ एक प्रोटोकॉल है। आपके बॉस जब आएंगे, आपके बॉस जब आपके पास आते हैं और वो आपसे मिलते हैं, तो आप कैसे बैठते हो, ऐसे करके बात करते हो, हाथ पीछे करके पैर ऊपर करके बात करते हो? नहीं ना, आपका एक प्रोटोकॉल होता है ना, उस प्रकार से आप बात करते हो कोई भी आता है। तो ग्रहों के मंत्र यदि आप कर रहे हैं तो भी एक प्रोटोकॉल है, और उस प्रोटोकॉल के तहत आपको करना है। वो क्या प्रोटोकॉल है, आपको जमीन पर आसन बिछाना पड़ेगा, जमीन पर बैठना पड़ेगा, और उसके बाद माला लेना पड़ेगा। माला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे रुद्राक्ष की हो चाहे तुलसी की हो, ये आपकी इच्छा, लेकिन माला लीजिए और उस माला से फिर आप मंत्र का जाप करिए। अच्छा, कई बार होता है कि भाई पैरों में तकलीफ है, जमीन पर नहीं बैठ सकती, तो लकड़ी का एक बाजूट होता है, लकड़ी का एक छोटा सा पटिए जैसा होता है, जो जो आपके सुविधा अनुसार ऊंचा हो सकता है, उस पर आप बैठ करके जो है वो कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का हो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ऐसे जो है वो किया जाता है। ग्रहों का अपना एक समय भी होता है, जो उन वीडियोस में मैंने अच्छे से बताया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि यदि आप चंद्रदेव का मंत्र कर रहे हैं, राहु देव का मंत्र कर रहे हैं, केतु का मंत्र कर रहे हैं, शनि महाराज का मंत्र कर रहे हैं, शुक्र महाराज का मंत्र कर रहे थे, उन्हें शाम के समय आपने करना चाहिए। कई बार शुक्रदेव का मंत्र कई लोगों को सुबह के लिए मैं कह देता हूँ, लेकिन फिर भी मोस्टली मैं शाम के लिए ही कहता हूँ। इनके अलावा जो ग्रह हैं, मंगल महाराज है, बुध महाराज है, सूर्य महाराज है, गुरु महाराज हैं, इनके मंत्र सुबह के समय किए जाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शनि महाराज का मंत्र शाम के समय किया जाना चाहिए। तो ये इनका समय जो है वो समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए और उस समय करना है। अच्छा, सुबह और शाम का मतलब क्या होता है? तो सुबह का मतलब होता है सुबह 11 बजे के पहले। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त जब से शुरू होता है तब से सुबह हो जाती है। जितना जल्दी हो सके, हमारा शास्त्र जो है वो जितना जल्दी हो सके उस पर विश्वास करता है। तो सुबह 11 बजे के पहले वैसे तो करना चाहिए, आज के कल्चर को देखा जाए तो 11 बजे के पहले कर लीजिए। शाम का मतलब क्या होता है? शाम का मतलब मैं कहता हूँ सूर्यास्त का वक्त, सूर्यास्त के बाद का जो वक्त है वो। फिर भी आज के कल्चर को देखते हुए चलिए 11 बजे के, रात के 11 बजे के पहले पहले कर लीजिए। तो ये बीच का जो समय है, या सुबह वाले जो सुबह 11 बजे के पहले का जो समय है, इस बीच में यदि आप उपाय करते हैं, मंत्र करते हैं, तो आपको फायदा मिलता है। अब ऐसा नहीं कि राहु का शाम में करने को बोला आपने सुबह कर लिया, आप सूर्य महाराज का सुबह करने को बोला आपने शाम में कर लिया, तो निसंदेह विपरीत या खराब परिणाम ही देखने को आपको मिलेंगे। तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही आपको उपाय करने हैं, ताकि आपको भयानक परिणाम उसके ना मिले और अच्छे मिले। और आप कर सकते हैं, देखें आप कर मैं यदि आपको उपाय करने के लिए दे रहा हूँ, आपको मंत्र करने के लिए दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। छोटे बहुत छोटे बच्चों को मैं नहीं देता, फिर उनको मैं कहता हूँ आप इनके लिए निवारण करवा लीजिए। भाई देखिए, पैसा लूटपाट से बचाने का मैं काम करता हूँ, लेकिन आपको परेशानी में डालने का काम नहीं करता हूँ। पैसा पैसे से बढ़कर आप हैं। हाँ, तो जहां तक हो सकता है आप खुद ही करिए, लेकिन अब नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है ना, कोई बिस्तर पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नहीं कर सकते, माता पिता जो हैं वो ऑफिस में व्यस्त हैं। अधिकतर भारत के बाहर के लोग मुझे कहते हैं सर हम तो नहीं कर सकते, आप ही करवा दीजिए। उनकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, सुबह से 6 बजे से निकलते हैं, रात के जो है वो 8, 9, 10 बजे तक अपने घर में आते हैं, तो नहीं मिलता है इतना समय। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो ऐसे में आपको करवाना चाहिए या किसी और से। मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि डर करके, परेशान होकर के, घबरा करके यदि आप कोई उपाय कराते हैं, कोई आपको डराता है और फिर आपसे उपाय करवाते हैं, तो ये लूटपाट है। आप खुद की इच्छा से, मान के चले आप कपड़े ले, आप जींस लेने गए, आप शर्ट लेने गए, अब ये शर्ट जो है ये शर्ट कहीं 500 रुपये में मिल सकता है, हो सकता है 400 में भी मिल जाए, हो सकता है 4,000 में भी मिल जाए, हो सकता है 40,000 का भी मिल जाए। अब मैं ये शर्ट लेने गया हूँ, मेरी इच्छा में 40,000 का लूँ, मेरी इच्छा में 400 का लूँ, लेकिन कोई दबाव डाल रहा है आपके ऊपर कि नहीं इतने 40,000 का ही लेना है या 400 का भी लेना, तो दबाव डाल करके आपको दे रहा है, तो ये गलत बात है। इसी प्रकार से पूजा पाठ उपाय मंत्र मैं खुद करवाता हूँ, मैं खुद शांति करवाता हूँ, मैं खुद अपने घर में उपाय पंडित जी को बुला करके उपाय करवाता हूँ, लेकिन दबाव में नहीं, प्रेशर में नहीं, परेशानी होकर परेशानी में आकर के नहीं, मेरी स्वेच्छा से हस्तमुक्त दान करिए, बिल्कुल दान करिए, बिल्कुल दीजिए, खुशी से दीजिए, डर कर मत दीजिए। जहाँ डर कर आप करते वहां लूटपाट होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बात समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, या अब तक जो बात मैं भेजना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आप सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।